हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल श्रवण लेक्चर। अगर आप क्लास 10th में हो और हिंदी की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि क्लास 10 हिंदी की तैयारी कैसे करें 2022 बोर्ड एग्जाम। अगर आप 2022 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हो और हिंदी में अभी तक आप कुछ नहीं पढ़े हो, बिल्कुल कमजोर हो, तो ये वीडियो देखकर आप 90% बहुत आसानी से ला सकते हो, क्योंकि मैं आपको कुछ सीक्रेट ट्रिक बताने वाला हूं। अगर आप ऐसे तैयारी करोगे तो आप भी 90% मार्क ला सकते हो। ये वीडियो लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। हिंदी में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या पढ़ना है, देखो आपको महत्वपूर्ण मैं आपको जीवन परिचय बता देता हूं। आपका ये 6 नंबर आपका बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 6 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, महत्वपूर्ण जीवन परिचय। सबसे पहले आपको जो गद्य खंड है, जो आपका गद्य खंड है, ठीक है, उसमें आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय और जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, ये दो जीवन परिचय याद कर लेना। ये आपके बोर्ड परीक्षा में 3 मार्क्स का पूछा जाएगा, ठीक है। ये 3 मार्क आपका बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, स्टाम्प पर मैं लिख दूं कि ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोग गद्य खंड में आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय याद करके जाना, और 100% यही आएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। 10 साल से लगातार ये आपके बोर्ड परीक्षा में आ रहा है, तो अब की बार भी जरूर आएगा। तो आपको ये याद कर लेना है, गद्य खंड में ये दो जीवन परिचय याद कर लेना, इनकी रचनाएं भी याद कर लेना 2-4। और पद्य खंड में आपको क्या पढ़ना है, ये भी आप सोच रहे होंगे। तो पद्य खंड में आपको सूरदास का जीवन परिचय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए। सूरदास का जीवन परिचय एंड तुलसीदास जी का जीवन परिचय आप याद करके जाना, एंड महादेवी वर्मा, इन 3 का जीवन परिचय याद करके जाना, आपका 3 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, ठीक है। यहां से आपका 3 मार्क फिक्स हो जाएगा और आपका 6 मार्क बिल्कुल फिक्स हो जाएगा ये जीवन परिचय का। ये बिल्कुल क्लियर है कि आएगा, आप इतना याद कर लो। ओनली 5 जीवन परिचय और आपका 6 नंबर फिक्स जाएगा, ये आप ओनली कर सकते हो एक डेज में आप ये कर सकते हो, जीवन परिचय याद कर सकते हो, अगर आप अच्छे से स्टडी करोगे। आपका बोर्ड परीक्षा बहुत ज्यादा नजदीक है तो आप लोग दिन रात पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, एक दिन में कम से कम 10 घंटे पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, और इसमें अगर आप 1 घंटा जीवन परिचय याद करते हो तो आप 2 से 3 जीवन परिचय याद कर लोगे, ठीक है। तो ये है जयशंकर प्रसाद जी का आपको याद करना है, एंड आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, और पद्य खंड में आपको याद करना है सूरदास, तुलसीदास एंड महादेवी वर्मा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो जीवन परिचय है वही मैं आपको बता रहा हूं, और यहां से आपका 6 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। फिर आपको मैं बता दूं, ये जो है बोर्ड परीक्षा 2022 में 100% आएगा। हर बार बोर्ड परीक्षा में आ रहा है, जब से बोर्ड परीक्षा हो रहा है लगातार आ रहा है। देखो आपको रस छंद अलंकार, यहां से आपका 6 मार्क्स बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, रस छंद अलंकार, जो कि मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। रस छंद अलंकार, रस में आपको याद करना है हास्य रस, करुण रस, ठीक है, और छंद में आपको याद करना है रोला, ठीक है, एंड सोरठा, ये दोनों याद कर लेना है जो कि ऑलरेडी आपको पता होगा। और अलंकार में आपको उत्प्रेक्षा, रूपक अलंकार एंड उपमा अलंकार, बस ये अगर आप याद कर लेते हो 6 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। 1 घंटे का काम है आपको ये पढ़ना, बस ज्यादा नहीं, 1 घंटा अगर पढ़ लो तो पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। उपसर्ग, उपसर्ग आपको अगर आप कम से कम 10 उपसर्ग याद कर लेते हो तो आपका 3 मार्क्स बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। उपसर्ग 3 मार्क्स का आता है, बहुत आसान होता है, जैसे आपका अनु आ गया तो आप लिख सकते हो अनुशासन, अनुशासन, ठीक है, ऐसे आपका आता है उपसर्ग, ठीक है। तो यहां आप लोग ये ज्यादा से ज्यादा आप बहुत कम समय में कर सकते हो, लेकिन अब आप लोग अपने अकॉर्डिंग पढ़ना, ठीक है। प्रत्यय आपके बोर्ड परीक्षा में आता है 2 मार्क्स का, ये सारे बहुत ज्यादा आसान होते हैं, अब इससे अगर ना याद कर पाओ तो बेकार है, ठीक है। ये सारे नंबर आप फिक्स कर लो, याद करके आज ही आप याद करना स्टार्ट कर दो ये सारी चीजें। आप लोग पर्यायवाची, ठीक है, आप कम से कम 20 पर्यायवाची याद कर लो, बस उसी में से आएगा, बहुत आसान होता है, जो इंपॉर्टेंट है उसे याद कर लो। तत्सम तद्भव, ठीक है, तत्सम तद्भव भी आप याद करके जाना, घबराओ मत बोर्ड परीक्षा से, घबराओ मत, अगर आप तैयारी कर रहे हो, जम के तैयारी कर रहे हो, तो 1 भी नंबर आपका छूटेगा नहीं, सारा करके आओगे, ठीक है। तत्सम तद्भव आप याद कर लो, और संधि विच्छेद, ये अगर इन सारी को याद कर लेते हो तो आपका काफी ज्यादा मार्क्स अचीव कर लोगे, ठीक है। एंड ये सारी चीजें आपका फिक्स है, 100% फिक्स है कि बोर्ड परीक्षा में आएगा तो आएगा, और आप याद करके जाओगे तो आपका फुल मार्क हिंदी में आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप याद करना स्टार्ट कर दो, अगर आप नहीं याद कर रहे हो तो आज से याद करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और ये जीवन परिचय जो मैंने बताया है, इसे अभी से याद करना स्टार्ट कर दो, कि आपका बिल्कुल फिक्स रहे, कोई चिंता ना रहे जब आपका पेपर आए,
ठीक है, तो ये इतना आप याद कर लेना बोर्ड परीक्षा आने से पहले। ओके, यहां अब आपको मैं बता दूं, ये जो आपका आता है गद्यांश, जो आपका गद्यांश आता है, गद्यांश का संदर्भ सहित रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको संदर्भ देगा और रेखांकित अंश की व्याख्या और एक प्रश्न उत्तर। इसके लिए मैं आपको दो चैप्टर बता रहा हूं, वो दो चैप्टर कंप्लीट कर लेना, मित्रता और ममता। ये दोनों चैप्टर अगर आप कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि 100% यहां से आपका गद्यांश आएगा। ठीक है, क्योंकि ये दो जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी क्लास 10 हिंदी में। क्लास 10 हिंदी में आपका ये दो जो है ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, और यहां से गद्यांश आपको देखने को मिलेगा, दोनों चैप्टर से देखने को मिलेगा और आपको एक करना होगा। ठीक है, तो ये आप लोग गद्यांश के लिए आप ये दो चैप्टर बिल्कुल फिक्स कर लो, यहां से आएंगे तो आएंगे। ठीक है, तो ये गद्यांश आप लोग यहां से तैयार कर लेना, आप लोग कम से कम इन सब का गद्यांश तैयार कर लेना, 2-3 गद्यांश होगा बस उतना आप तैयार कर लोगे तो आपका यहां से 6 मार्क्स बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। तो ये सारी चीजें काफी आसान होता है, आप लोग बढ़िया से कॉपी पेन लेकर बैठो और उसको अच्छे से सॉल्व करो, मन लगा के सॉल्व करो, आपका मन वही होना चाहिए, आपका पढ़ाई में मन लगना चाहिए। ठीक है, जब आप बैठो तो पूरा फोकस पढ़ाई पर हो कि आप बिल्कुल उसे कंप्लीट करके उठो। ओके, तो ये आप लोग गद्यांश के लिए ये दो चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पद्यांश की बात की जाए, जो आपका पद्यांश है 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए, तो मैं आपको ऐसे चैप्टर्स बता रहा हूं जिससे मैं आपको बता दूं कि 100% फिक्स है कि आएगा। थोड़ा सा मेहनत पड़ेगा लेकिन आप इसे 2-3 दिन में तैयार कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपका पद चैप्टर, पद चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद करके जाना इसके जितने भी पद्यांश हैं, क्योंकि यहां से आपको देखने को मिल सकता है बोर्ड परीक्षा में। धनुष भंग जो आपका है ये भी तैयार कर लेना। ठीक है, ये भी चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपका भक्ति नीति, भक्ति नीति भी चैप्टर आपके पद्यांश के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको बिहारी लाल जी के कुछ आपको पद्यांश देखने को मिल सकते हैं। स्वदेश प्रेम भी आप लोग तैयार कर लेना, ये चार लेसन आप तैयार करके जाना, फिर आप बिना चिंता के आप जाना, क्योंकि यहां से आपको देखने को मिलेंगे आपके बोर्ड परीक्षा में पद्यांश। ठीक है, तो गद्यांश और पद्यांश यहां से 6-6 मार्क्स का आता है, अगर आप इन सबको तैयार कर लेते हो तो हिंदी में कोई दिक्कत नहीं, आप चुटकियों में 90% ला सकते हो, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, केवल आप लोग पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो जो जो मैं बता रहा हूं उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो और आप भी काफी अच्छा मार्क अचीव कर सकते हो। अभी भी आपके पास समय है पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, अभी भी आप लोग सुधर सकते हो। तो ये आपका पद्यांश है जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन चैप्टर को पढ़ लो। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं, यहां से जो आपका संस्कृत आता है, संस्कृत में एक गद्यांश आता है, गद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, हिंदी में अनुवाद करना है, इसका आपका 4 मार्क्स का आता है, जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए मैं आपको दो चैप्टर बता रहा हूं, एक आप वाराणसी चैप्टर, जिससे 100% चांस होता है कि आएगा, इसलिए मैं आपको वाराणसी चैप्टर कह रहा हूं कि आप तैयार कर लेना, और यहां से वीर बीरेण पूज्यते ये चैप्टर भी आप लोग पढ़ के जाना। ठीक है, ये दो चैप्टर आप पढ़ के जाना, यहां से आपको कुछ क्वेश्चन आंसर और आपको जो हिंदी अनुवाद देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये दो चैप्टर आप पढ़ के जाना, कंप्लीट करके जाना, और यहां से आपको बहुत सारे मार्क्स देखने को मिल जाएंगे। फिर यहां आपसे एक बात बता दें कि आप लोग श्लोक तैयार कर लेना, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट एक गलतियां करते हैं कि केवल एक ही श्लोक तैयार करते हैं, आपको 2 श्लोक तैयार करके जाना है, क्योंकि वहां एक श्लोक आपका रहेगा, ठीक है, लिखा रहेगा, और उसको आपको यहां संदर्भ और अनुवाद करना होता है, और वहां लिखा भी रहता है पेपर में कि आपको वो श्लोक लिखना है जो प्रश्न पत्र में ना हो। तो आप लोग 2 श्लोक तैयार कर लेना, एक आपका प्रश्न पत्र में है तो दूसरा लिख देना, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो आप लोग 2 श्लोक तैयार कर लेना, ये काफी आसान है, आप कम से कम 10 मिनट में 1 घंटे में याद कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग कम से कम समय लेना इन सबको याद करने में, क्योंकि आपको और भी सब्जेक्ट की तैयारी करना है, आपका बोर्ड परीक्षा बहुत ज्यादा नजदीक है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग कम से कम समय लेना। ठीक है, तो यहां आप लोग इसे तैयार कर लेना और वीर बीरेण पूज्यते और 2 श्लोक तैयार करके जाना, एक श्लोक नहीं, आपको 2 ही तैयार करके जाना है, क्योंकि 2 बहुत ज्यादा जरूरी है। हो सकता है कि आप एक तैयार करो वही बोर्ड परीक्षा में आ जाए तो कहे जो प्रश्न पत्र में ना हो उसे लिखो, तो कैसे लिखोगी। ठीक है, तो आप 2 तैयार करके जाना। फिर यहां मैं आपको बता दूं, इसमें जो है बहुत सारे स्टूडेंट का दिक्कत है समास विग्रह। समास विग्रह को मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है, जो कि है आपका इसमें 2 ही समास है, एक है द्वंद्व समास और एक है दीर्घ समास। द्वंद्व समास और दीर्घ समास इन दोनों को मैंने पढ़ा दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो सर्च कर लेना समास बाय श्रवण लेक्चरर, आपको हमारा वीडियो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, समास बाय श्रवण लेक्चरर। तो ये आपको द्वंद्व समास और दीर्घ समास 2 है आपका,
और दोनों को पहचानने का ट्रिक भी मैंने बता दिया है बहुत आसान तरीके से, आप जिंदगी भर याद रहेगा अगर वीडियो देखोगे। ठीक है, तो ये आपको समास विग्रह आपका ये आपका 2 मार्क्स बिल्कुल फिक्स कर सकता है आपको हमेशा के लिए। तो ये आप 2 मार्क्स अभी जाओ वीडियो देखो फिक्स करो। तो ये आपका समास विग्रह 2 मार्क का आएगा, काफी आसान होता है, आप लोग देख लेना। ठीक है, अब इसमें मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट का दिक्कत है, मैंने देखा है कम से कम 90% स्टूडेंट का इसमें दिक्कत है। क्या इसमें अगर आपको दिक्कत हो कमेंट करो, मैं आपके लिए जरूर वीडियो बनाऊंगा और आपके लिए आने भी वाला है। विभक्ति, विभक्ति जो आपके बोर्ड परीक्षा में 2 आएगा 2 मार्क का आएगा, ठीक है, 1 करना रहेगा, 2 मार्क का आपका विभक्ति आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट का इसमें दिक्कत है, मुझे पता है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं। धातु लकार में भी बहुत सारे स्टूडेंट का दिक्कत है, जो भी 2 मार्क का आता है और 2 मार्क अगर आपको गेन करना है तो धातु लकार और विभक्ति के बारे में पता होना चाहिए। और यहाँ इसमें जो बच्चे संस्कृत नहीं जानते हैं, 2 संस्कृत का अनुवाद, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का दिक्कत है, जो संस्कृत में अनुवाद नहीं जानते, संस्कृत कम पढ़ते हैं तो उनको दिक्कत हो सकता है, ये भी 2 मार्क का। तो इन तीनों का मैं एक ही ट्रिक लाऊंगा और आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, बस आप लोग कमेंट करो सर वीडियो लाइए तो मैं आपके लिए जरूर लाऊंगा। तो ये आपका विभक्ति है, धातु लकार है और 2 संस्कृत का अनुवाद, ये तैयार कर लेना, आपका 6 मार्क्स यहां से फिक्स हो जाएगा। थोड़ा आप अगर आपको याद नहीं हो रहा तो रटना स्टार्ट करो, सुबह उठकर रटो, ठीक है, और आपको याद हो जाएगा। तो ये आप तैयार करके ही जाना, इन सारे को छोड़ना नहीं है वरना आप लोगों का बहुत कम नंबर हो जाएगा। और यहां से अगर आप इन सारे को तैयार कर लेते हो तो आप 90% भी ला सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये सारे मेन होते हैं हिंदी में। अब आपको ये मैं बता दूं कि आपका जो महत्वपूर्ण निबंध है, मैं आपको 5 निबंध बताऊंगा और आपके बोर्ड परीक्षा में जरूर आएगा, 6 मार्क्स का निबंध आता है, इसको आपको छोड़कर बिल्कुल भी नहीं आना, क्योंकि ये 6 मार्क आपके जो आपका मार्कशीट यानी कि रिजल्ट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप हिंदी में ये छोड़कर आते हो तो आपका बहुत कम नंबर आएगा, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला मैं आपको बता दूं महत्वपूर्ण जो जीवन परिचय 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, यहां से आपको जरूर देखने को मिलेगा। पहला है बेरोजगारी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या पर निबंध आपको जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है तो बेरोजगारी की समस्या पर आपको देखने को मिल सकता है। प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, तो प्रदूषण आजकल देख रहे हो काफी ज्यादा फैल रहा है, वातावरण को गंदा कर रहा है, तो इस पर भी आपको देखने को मिल सकता है। जो वर्तमान में हो रहा है उस पर निबंध ज्यादा पूछा जाता है। कोरोना वायरस, ये भी बीत चुका है बट हाँ कोरोना वायरस पर निबंध आ सकता है, क्योंकि अब की बार हो सकता है कि बोर्ड परीक्षा में ये फिक्स है कि आ सकता है, ठीक है, तो याद करके जाना, मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। और अगला है भ्रष्टाचार एक समस्या, भ्रष्टाचार एक समस्या जो कि ये भी आपका फिक्स है कि आ सकता है, ठीक है। और विज्ञान वरदान या अभिशाप, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 निबंध आप तैयार करके जाना, फिक्स है कि इसमें से आपका जरूर आएगा, ठीक है। तो ये 5 निबंध आप तैयार कर लेना, 6 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा, काफी आसान होता है। इसके बारे में पढ़ो, इनके हेडिंग्स याद कर लो, जैसे बेरोजगारी की समस्या, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, इन सब के हेडिंग्स याद कर लो, फिर आपका सारा याद हो जाएगा, ठीक है। शुरुआत में आप प्रस्तावना लिखो, लास्ट में उपसंहार लिखो, बीच में आप हेडिंग याद कर लो, आपका सारा निबंध कंप्लीट हो जाएगा। और आपको एक खंडकाव्य लिखना होता है, खंडकाव्य देखो भाई हर जगह का अलग अलग होता है, हमारे इधर ज्योति जमाहर पूछा जाता है, तो आप लोग जो भी पूछा जाए उसे कंप्लीट कर लेना, ठीक है, ज्योति जमाहर, ठीक है। तो ये आपका है आज, मैंने आपको ये 3 मार्क्स का खंडकाव्य आता है, तो ये आज मैंने बताया कि आप क्लास 10 हिंदी की तैयारी कैसे करो ताकि आप भी 90% मार्क अचीव कर सको। वीडियो पसंद आया हो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप ऐसा हिंदी की तैयारी करते हो तो आप भी 90% ला सकते हो, क्योंकि ये सबसे बेहतरीन ट्रिक है ऐसे तैयार करने का। तो इस वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।